वायुसेना के जवान विष्णु बेनीवाल का शव पहुंचा मथुरा। जवान के पैतृक गांव कोसी के खिताबता गांव में हुआ अंतिम संस्कार। जय हिंद के नारों के बीच दी गई अंतिम विदाई। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने शहीद स्मारक बनवाने की घोषणा। अंतिम यात्रा में हजारों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर जय हिंद के साथ दी विदाई। भाई है मेरे, इनका वो लड़का था, हमारे तो बेटी का समान था। वो गाँव के सभी लोगों से बड़ा प्यार करते थे, लेकिन भगवान को और शायद धरती माता को या पूरे भारत को इतना ही था कि वो देश की सेवा इतना ही कर पाए। तो इस क्रूर काल ने उसको पूरे गांव की बस्ती को छोड़ के वो चला गया, तो बड़ी दुखद घटना है और बड़ी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो क्या मांग करते हैं, क्या मतलब ऐसे क्या गांव के लोग जिस तरीके से देश में जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं सभी सीमाओं पर, तो चूंकि इनका भरण पोषण जो लालन पालन था वो उसी के ऊपर डिपेंड था और सभी लोग उसको पसंद करते थे। तो हमारा गवर्नमेंट से केंद्र सरकार से यही मांग है, उसका शहीद का दर्जा दिया जाए और जो उसके नॉर्म्स और नियम हैं उसके तहत जो उनको आर्थिक सहायता हो वो दी जाए। इनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि ये अपना जीवन यापन, अब ये चूँकि इतनी उम्र नहीं रह गई है कि ये ज़्यादा कमा सके, ताकि वो उसके सहारे जी सके। तो इस अभी तक आप उधर देखेंगे तो माताओं का बड़ा रो रो के बुरा हाल है। तो इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और सरकारी प्रशासन जो अभी आ रहा है उससे भी हमारी ये मांग रहेगी कि वो हमारी बात को सरकार तक पहुँचाए और जो है इस बात को बड़ी गहराई से और गंभीरता से लेते हुए पूरे गांव का ये प्रार्थना है, 36 बिरादरी की प्रार्थना है कि इस बच्चे का जिस तरीके से ये हुआ है घटना उसकी भरपाई इसी रूप में हो। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।